नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कलांचू के बारे में और कुछ जानकारियां देने वाला हूं। तो देखिए, कलांचू मेरा दोस्तों खिला था नवंबर में, और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अभी मार्च चल रहा है, तो बहुत ही लंबा सीजन है दोस्तों। इतना लंबा सीजन किसी फ्लावर का भी नहीं रहता है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग फ्लावर है। और ये जो ऑरेंज आप देख रहे हैं, ये सबसे पहले खिला था, और उसके बाद दोस्तों रेड और ये मैजेंटा खिलता है, और येलो और ये जो देख रहे हैं जायंट कलांचू, ये दोस्तों बहुत लेट खिले थे, और देखिए अभी भी ये फ्रेश लग रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ पे आपको दोस्तों बहुत स्पैंड फ्लावर दिखेगा जो खिल चुका है। इन सबको आप ऐसे हाथ से दोस्तों तोड़ के निकालिए और प्लांट को साफ सुथरा रखिए। देखिएगा नीचे से नया नया सूट आएगा आपका ऐसा, और ये जो सूट आप देख रहे हैं ये और एक महीना लास्टिंग करेगा दोस्तों। कुछ कुछ अप्रैल मिड या लास्ट तक चले जाते हैं, और इसमें थोड़ा आप एनपीके 19-19-19 डाइल्यूट करके डालिएगा, तो जो नया सूट बन रहा है उसमें जोरदार फ्लावरिंग आएगा दोस्तों। और देखिए, सब कलर मिला के रखने पर बहुत बढ़िया दिखता है, दूर से मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए। और आगे देखिए मेरा रेड है सब, और यहाँ पे और कुछ है वैरायटी, और देखिए बहुत सारे जगह में मैं लगा के रखता हूँ, इसीलिए दोस्तों कोई मरता है तो कोई बच जाता है, और इस तरह सब वैरायटी बच जाता है मेरा दोस्तों। और इसका कटिंग मैं अभी मई में लगाऊंगा। मई में लगाने पर क्या होता है दोस्तों, कटिंग बहुत रिक्स रहता है लेकिन लग जाता है, और आप जून महीना बहुत डेंजर रहता है इसके लिए, जून महीने में इसे आप बचा के रखिएगा। और ये देखिए दोस्तों, जायंट कलांचू कितना बड़ा बड़ा फूल देता है, और बहुत लेट खिलता है, ये एक महीना पहले ही खिला है, यानी कि आपका फरवरी फर्स्ट वीक में खिला है। और दोस्तों येलो तो बहुत ही सेंसिटिव है, और इसको स्पेशल केयर लेना पड़ता है। आप अगर 2-3 दिन में इसे चेक नहीं करेंगे तो बहुत रिक्स वाला प्लांट है। तो दोस्तों इस तरह मेरे कलांचू को मैं बचा के रखता हूँ, और इसका कटिंग कैसे लगाते हैं मैं अपडेट जरूर दूंगा आपको। और दोस्तों आप गमले को रेगुलर चेक कीजिएगा, वहाँ पे अगर वीड्स निकला है तो उसे आप हटाइएगा, और वीड्स के हटाने के बाद ही आप फर्टिलाइजर डालिएगा दोस्तों। ये छोटा छोटा बात है लेकिन इसे ध्यान रखना पड़ता है, तो आपका ग्रोथ बना रहेगा कलांचू में। तो चैनल पे बने रहिए, बहुत सारे लोग मेरे चैनल देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन जो है उसे आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरा नया नया वीडियो जो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों ये था मेरा कलांचू के ऊपर छोटा सा जानकारी, फिर जल्द लाऊंगा और एक नया वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।